रायपुर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में जातिगत समीकरणों ने यहां मुकाबले को रोचक बना दिया है। 40,000 मुस्लिम वोटरों वाली इस वीआईपी सीट पर सबसे ज्यादा 38 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें 24 मुस्लिम हैं और खास बात कि उनमें भी 23 निर्दलीय हैं। इस सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे का मुकाबला है। संस्कृति मंत्री बृजमोहन अग्रवाल चुनावी मैदान में है। उनका मुकाबला शहर के मेयर और कांग्रेस प्रत्याशी किरणमयी नायक से है। बड़ी पार्टियों के प्रचार के चकाचौंध के बीच ये मुस्लिम निर्दलीय उम्मीदवार बिना बैनरों और समर्थकों की भीड़ के अकेले कोई अपने फलों की टोकरी के निशान के साथ तो कोई गुब्बारा और एसी के चिन्ह के साथ खुद टेम्पो चलाकर प्रचार कर रहे हैं। रिक्शा और मोहल्लों में पोस्टरों में लटके हुए आवाम से वोट की अपील कर रहे हैं। आगामी 48 करोड़ में ओवरब्रिज बनेगा और हम बनाएंगे बिल्कुल, और जनता का पूरा समर्थन हमारे पास है और जनता हमको आशीर्वाद देगा। जनता ही भगवान हमारे लिए, जनता हमको बिल्कुल। निर्दलीय उम्मीदवारों का मानना है कि बड़ी पार्टियां इस क्षेत्र में मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट नहीं देती, इसलिए अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए बतौर निर्दलीय ही मैदान में उतरना पड़ता है। थोक में इतने निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में होने को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं। राजनीतिक पंडित इसे एक सोची समझी रणनीति मान रहे हैं। जो 24 कैंडिडेट खड़े किए गए, ये पूरा शहर और क्षेत्र जानता है कि उनको किसने लिफाफे दे करके खड़ा कराया है, इसलिए इस बार मुस्लिम समाज भी एकजुट है और वो कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे। 2 लाख मतदाताओं वाली इस सीट पर मुसलमानों का बहुमत है, लेकिन उनका नुमाइंदा आज तक इस गणित के बावजूद भी निर्वाचित नहीं हो पाया। ऋतु वर्मा, TD News, रायपुर, छत्तीसगढ़।